हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी आपसे शेयर करूंगी जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है और बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस रेसिपी को बनाना देख लेते हैं। यहाँ लिया है ये आधा कप मायोनीज लिया है, ये वेज मायोनीज है। फ्रेंड्स, आप जो मायोनीज पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच मैं सेजवान सॉस ऐड कर दूंगी, ये 2 चम्मच, और 2 चम्मच टोमेटो केचप लूंगी, ये 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही यमी ये हमारा डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार होगा। आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3 बन लिया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी की रेसिपी मैं बनाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं क्यूब में। जितना मोटा इसको रखना चाहते हैं उतना इसको काट सकते हैं। और अब मैं इसको क्यूब में काट लूँगी। आप जितना बड़ा छोटा चाहते हैं क्यूब रखना वैसे इसको काट सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने अपने बन को क्यूब में काट लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें 1 चम्मच मैं बटर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब इसमें 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दूँगी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें इसी स्टेज पर नमक ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा ऐसे चारों तरफ घुमा लेना है ताकि नमक का जो कच्चापन है निकल जाए। और यहाँ मैं इसको अपने बन को जो मैंने क्यूब में काट के रखा है इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक स्टर करके भून लेना है। आप चाहे तो इसको टॉस भी करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अच्छे से थोड़ा सा क्रंची हो गया, बहुत ज़्यादा हमें क्रंची नहीं करना है। और इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स जो है इसको ऐड कर दूंगी और यहाँ जो है मिक्स हर्ब है इसको भी ऐड कर देना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से फिर से मिक्स करते हुए स्टर कर लेना है। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें जो अपना सॉस तैयार करके रखी हूँ उसे ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैं अपने सॉस को ऐसे ऐड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सॉस को ऐड कर दिया। ऊपर से हम चीज़ को ग्रेट करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो आप जितना चाहें उतना इसको डाल सकते हैं। चीज़ ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हमने चीज़ को ऊपर से डाल दिया। जब तक चीज़ मेल्ट होता है तब तक हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसको ढक के 2 मिनट तक पका लूँगी जिससे चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और कुक भी हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से ये हमारा चीज़ भी मेल्ट हो गया, कुक हो गया। अब इसे यहाँ मैं दिखा दूँ ऐसे कि कितना हमारा ये चीज़ी बन के तैयार हुआ है। मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। खाने में ये किसी बर्गर पिज्ज़ा से कम नहीं लगता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ मैंने इस नाश्ते को सर्व कर दिया। इसे आप चाहें तो सुबह शाम जब भी बना लें, क्योंकि इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये यूनिक रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। तो अगर जो मेरी ये यूनिक रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।